केवल वन जीवन ही नहीं अन्न भी वर्जित है। 14 वर्ष तक हमें अन्न ग्रहण नहीं करना है। तो हमें जो आज्ञा मिली है हम उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन तुम किसी प्रकार की चिंता नहीं करना मित्र, हमारी बात को सुनकर तुम्हारा मुखमंडल मलिन हो गया, तुम चिंता में पड़ गए। बिल्कुल नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं करना। ये तो समय की बात है, विधि की बात है। विधाता ने किसके नसीब में क्या लिखा है वो कोई जानता नहीं है। समय किसको कहां ले जाए कोई जानता नहीं है। हम युवराज बनने जा रहे थे लेकिन बन गए बाबा। ये सब समय की बात है। ये दिन ये निकलता नहीं, रात ये ढलती नहीं, उसकी मर्जी बिना दिन ये निकलता नहीं, ये रात ये ढलती नहीं, उसकी मर्जी बिना ये पत्ता पत्ता हिलता नहीं, वह जो चाहे वही तो होना है, वह जो चाहे वही तो होना है। ये आदमी हमारा आदमी
आपने सारी समस्याएं बताई तो हम आपको बात नहीं करेंगे ताकि आपका व्रत खंडित हो, लेकिन निवेदन एक है, आज रात्रि आप हमारे यहाँ विश्राम करें। ये सामने में शिवसा का वृक्ष दिखाई दे रहा, इसी शिवसा वृक्ष के नीचे आप अवश्य सखा यदि तुम चाहते हो तो एक रात्रि यहाँ विश्राम करें। आइए ले रघुनाथ ही ठाऊं दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा, सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचि बही सोमन मृदुबानी। पिता तुल्य मंत्री सुन तो आप क्या सोच रहे हैं? मंत्रीवर सारी सोच का आप त्याग कर दें, क्योंकि रात्रि का दूसरा पहर प्रारंभ हो गया है। प्रभु श्री राम माता जानकी इस समय शयन कर रहे हैं। चाहता हूं मंत्री जी, आपकी वृद्ध अवस्था है, आप भी शयन करें, सो जाओ। कछु की दूर सजीवान सरासन, जागन लगे बैठ बीरास, सोमत प्रभु निहार निखादू, भयहु प्रेम बसु हृदय बिखर। तन पुलकित जलि लोचन भय है, बचन स प्रेम लखन सन कहाए। एक और तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि भगवान श्री राम हमारे यहाँ चल करके आए, और दूसरी ओर हमें बड़ा दुख हो रहा है, हमें बड़ा विषाद हो रहा है कि रात पहलों में विश्राम करने वाले श्री राम आज हमारे यहाँ कुश की बनी हुई साधनी पर विश्राम। आह, कल्पना करने लगा कि आज हमारे यहाँ भगवान श्री राम आए और पृथ्वी मंडल पर विश्राम कर रहे हैं, ये सोच करके हमें बड़ा विषाद हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। कल्पना करने लगा, भूपति भवन सुभाय सुभावा, सुरपत सदन न पट तर पावा। महाराज चक्रवर्ती जी का महल इतना सुंदर, जिसकी सुंदरता को देखकर अमरावती भी लज्जित होती। मणि में रचित चार चम्वारे, जन रतिपत निज हाथ सवारे, चार चम्वारे ऐसे लगे हुए
जैसे मानो कामदेव ने स्वयं समारा हो। विविधि बसन उपधान तुराई झील भेद मृदु विशद सुहाई, विविध प्रकार के दूध के फेन की तरह श्वेत मखमली वस्त्र, जिन वस्त्रों पर जिन बिछौनों पर विश्राम करने वाले श्री राम, तेजी राम साथरी सोए श्रमित बसन जिप जाए न जो। वही श्री राम आज कुश की बनी हुई साथरी पर पृथ्वी मंडल पर विश्राम करके अपने श्रम अपनी थकान को दूर कर रहे। तासी राम सयन निष्कर रही निज छवि रति मनोज मनह रही। यद्यपि ये पृथ्वी मंडल पर अवश्य विश्राम कर रहे लेकिन फिर भी ये इतने सुंदर लग रहे, इतने सुंदर लग रहे कि इनकी सुंदरता को देखकर मानो कामदेव भी लज्जित होता है। जोगमय जिन्हें प्राण की नाई, ऋषि मुनि महात्मा निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं और प्राप्त नहीं कर पाते, मई सोवत्ता राम गुसाई। वही श्री राम आज पृथ्वी मंडल पर विश्राम कर रहे हैं। यदि हम ये कह दें कि इनके कोई नहीं तो सब कोई है, मात पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी, माता पिता दास दासियां मित्र सब कोई है, लेकिन आपत्ति के समय में इनके समीप में कोई नहीं। जिस समय माता सीता की ओर मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ, कल्पना करने लगता हूँ, सोचने लगता हूँ कि पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, इनके पिता महाराज जनक जिनका विश्व में प्रभाव है, इनके ससुर महाराज दशरथ जो देवताओं के राजा इंद्र के मित्र हैं, राम चंद्र पति सो वैदेही सोवत मई विधिमाम न केही। रामचंद्र जी जैसे जिनके पति विधाता किसके बाएं हो जाए ये कोई नहीं जानता संसार में, ये कोई नहीं जानता कि हमारे जीवन में अब अनुकूल समय आने वाला है या प्रतिकूल समय आने वाला है। क्या हम सांसारिक लोग ये कल्पना कर सकते, ये विचार कर सकते, सोच सकते हैं कि सी रघुवीर की कानन यबू माता सीता भगवान श्री राम भगवान श्री लक्ष्मण ये बन के योग हैं, लेकिन कर्म प्रधान सत्य कह लोगों जो लोगों ने कर्म की प्रधानता दी है कि व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है कर्मानुसार फल को प्राप्त करता है। तो क्या हम ये कह दें श्री राम कर्मानुसार फल को प्राप्त कर रहे, इसलिए ये संभव नहीं कि कह कह नंदन मंदमति कठिन कुटिल पंकीन तेई रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। माता के कई के द्वारा यदि कूटनीति न अपनाई गई होती तो श्री राम जी को सुख के अवसर पर दुखों का सामना न करना पड़ता। इसलिए सारा दोष माता के कई का ही है, मानो सूर्यवंश रूपी कल्प वृक्ष में के कई की ऐसी करनी जो कुल्हाड़ी बन करके सूर्यवंश रूपी कल्प वृक्ष को छिन्न भिन्न कर दिया है। आज सारा संसार उसकी करनी से दुखी है और मैं भी ये सब सोच करके दुखी हो रहा हूँ, ये सोच करके हमें बड़ा अपार दुख है, अपार विषाद है, विषाद हो रहा है। बोले लखनऊ मधुर मृदुबानी ज्ञान विरागो भगत रस सानी। सखा निषाद राज तुम धन्य हो, संसार में यदि सखा हो तो आप जैसा हो, क्योंकि आपने देखा प्रभु श्री राम माता जानकी पत्तों और कुशाओं की साथरी पर शयन कर रहे हैं तो तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। ऐसा प्रेम
कि आज उसी प्रेम ने एक विषाद का रूप ले लिया। भयउ प्रेमवश हृदय विषादु, इतना प्रेम। हे सखा, मैं तुम्हारे इस प्रेम का सम्मान करता हूं, मैं तुम्हारी भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन सखा जहां तुम दुख की खोज कर रहे हो यहां तुम्हें दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां दुख है ही नहीं। जो साक्षात सच्चिदानंद है सो सुखधाम रामस नामा, जो सुखों का धाम है, क्या वहां तुम्हें दुख प्राप्त होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां दुख है ही नहीं। यदि दुख देखना है तो दुख के संसार में देखो, अगर संसार में सुख की खोज की जाए तो इस संसार में सुख प्राप्त नहीं होगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। हे सखा, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुख और दुख का जन्म केवल कर्म से होता है। प्राणी के द्वारा जैसा कर्म किया जाता वैसा ही उसे फल भोगना पड़ता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निचकित कर्म भोग सब राता। प्राणी जैसा करता वैसा ही उसे भोगना पड़ता है। कोई किसी को सुख दुख प्रदान नहीं करता, क्योंकि सखा कर्म जिसका है बड़ा वही तो बलवान है। देह तो मिट्टी है केवल, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा कभी नहीं चाहती प्राणी के द्वारा बुरा कर्म किया जाए, कुकृत किया जाए, प्राणी कुमार्ग पर चले। आत्मा हमेशा चाहती है प्राणी अच्छा कर्म करे, अच्छे मार्ग पर चले। जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनित मध्यम परम फंदा, जन्म मरम जय जग जालू, संपत विपत करम और कालू। ये संसार में जितने भी व्यवहार हैं इनका मूल मोह केवल अज्ञान है। सपने होए भिखारी निप, रंक नागपति होए जागे हार न लाभ कछु, तिम प्रपंच जिए जो। हे सखा, यदि कोई प्राणी स्वप्न में राजा बन जाए या राजा भिखारी बन जाए, लेकिन जब उसका स्वप्न भंग हुआ उसने क्या देखा, क्या पाया? सब मिथ्या। ये संसार एक स्वप्नवत है, उन्नति औन्नत का धोखा है। सपनों का राजा और रंग को होना अनहोना मिथ्या। इस निश में जोगी जगते हैं वह सारी जनता सोती है, या वे जग जाते हैं जिन पर कृपा राम की होती है। अस विचार ने कीजे रोसू, कहूं बात नहीं देऊं दोसू। ये जग जामिल जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तमें जीव जग जागा, जब से विषय विलास प्रागा। इस संसार में वही जागा हुआ जिसने सारे विषयों का त्याग कर दिया। होए विवेक मोए भ्रम भागा, तब रघुनाथ शरण अनुरागा। विवेक होने पर मोह दूर हो जाता है, तब प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनुराग होता है। सखा परम परमारतेहु, मन क्रम बचल राम पद लेहु। राम ब्रह्म परिमारत रूपा, अविगत अलग अनादि अनुपा। जिनका न आदि है न अंत है, ऐसे परमात्मा तुम्हारे सामने है। हे सखा, आज प्रभु श्री राम के द्वारा धर्म का पालन किया जा रहा। माता पिता की आज्ञा 14 वर्ष इस अरण्य में रहना, क्योंकि आप भली प्रकार से जानते हैं अयस्त्रम जीवनम लोके, अयस्त्रम धनि उबने, अयस्त्रम पुत्रोदारस्सो धर्म कीर्ति दो स्त्रम। इस लोक में जीवन नहीं रहता,
जवानी नहीं रहती, पुत्र नहीं रहता, राज्य नहीं रहता, वैभव नहीं रहता, रहता तो केवल धर्म रहता और धर्म की कीर्ति रहती। आओ ऐसे परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाओ। कहती राम गुण गाभ निसारा, जागी जग मंगल सुखदार, सकल शौच कर राम नहावा, सुच सुजान बट छीरो मगावा। हेलो, ये 50 रुपए का दान धनीराम विश्वकर्मा ड्राइवर बांदा निवासी, धन्यवाद। बेंदा निवासी, धन्यवाद।